अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर हनीफ भट्ट और आज का लेक्चर है अरशद शरीफ का कत्ल। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार नैरोबी कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अरशद शरीफ को किसने और क्यों कत्ल किया। अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 में कराची में पैदा हुए। उन्होंने 1993 में बतौर जर्नलिस्ट अपने कैरियर का आगाज़ किया और 2014 में ARY के प्रोग्राम पावर प्ले से वो शोहरत की बुलंदियों को पहुंच गए। उन्होंने जवेरिया सदीकी से शादी की, जिससे उनके 4 बेटे और 1 बेटी हैं। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। हर आंख अश्कबार है और हर दिल सोगवार है। एक मीठी और मदभरी आवाज़ को खामोश कर दिया गया, एक धुन जिसे तोड़ दिया गया, एक गुलशन जिसे उजाड़ दिया गया, एक शहर जिसे मिसमार कर दिया गया, एक फूल जिसे मसल दिया गया, एक शमा जिसे बुझा दिया गया, एक कारवां जिसे लूट लिया गया, एक उम्मीद जिसे तोड़ दिया गया और एक आस जिसे फोड़ दिया गया, एक माँ जिसके आखिरी उम्मीद को बर्बाद कर दिया गया, एक सुहागन जिसके सुहाग को उजाड़ दिया गया और 5 मासूम बच्चों को यतीम कर दिया गया। अरशद शरीफ का कत्ल एक ज़माने, एक दौर और एक अहद का कत्ल है। अरशद शरीफ का कत्ल जबर के ख़िलाफ़ एक मुअस्सर आवाज़ का कत्ल है। अरशद शरीफ का कत्ल शख्सी आज़ादी का कत्ल है। अरशद शरीफ का कत्ल आज़ादी इजहार का कत्ल है। ये ज़हानत, खूबसूरती और मासूमियत का कत्ल है। ये सच्चाई के फूलों, खुशबुओं, रंगों और बहारों का कत्ल है। ये जुर्रतों, वलवलों, हौसलों और जज्बों का कत्ल है। ये वादों, वफाओं, आसों और उम्मीदों का कत्ल है। अरशद शरीफ की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। वो बोलता था तो वक्त ठहर जाया करता था। उसकी आवाज़ में रवानी थी, रोब था, दबदबा था। उसकी आवाज़ के अंदर एक जादू था, एक सहर था। अरशद शरीफ का अंदाज़े बयान, उसकी दलील की ताकत, उसके जज्बात और एहसासात, उसकी गुफ्तगू को बहुत ही पुरवकार, मुअस्सर और ताकतवर बना दिया करते थे। सहाफ़ी ख़ानदान का सच बोलने की खातर अपनी जान कुर्बान करने का रिवाज बहुत पुराना है। सहाफ़त कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये आग और खून की होली है। जो चाहे इस खेल को खेल सकता है, लेकिन इसके लिए अपनी जान को हथेली पे रखकर अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश करने का हौसला करना पड़ता है। हर कोई अरशद शरीफ नहीं बन सकता। अरशद शरीफ बनने के लिए एक ख़ास धज से मक्तल की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ना पड़ता है और हंसकर फांसी का फंदा गले में डालना पड़ता है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अरशद शरीफ का कत्ल जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है और ये सजा जिंदगी में पहली मर्तबा नहीं दी गई। सच बोलने की पादाश में लोगों को जेलों में जाना पड़ा। सच बोलने की पादाश में लोगों को कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करना पड़ी। सच बोलने की पादाश में लोगों को कूड़े खाना पड़े। सच बोलने की पादाश में लोगों को जहर के प्याले पीना पड़े और सच बोलने की पादाश में लोगों को फांसी के फंदों पर झूलना पड़ा। सुकरात को सच बोलने पर जहर का प्याला पीना पड़ा। गैलीलियो को सच बोलने पर कैद तन्हाई बर्दाश्त करना पड़ी। सच बोलने पर मंसूर को अपनी उल्टी खाल उतरवाना पड़ी और एक
आमर की अताज से इनकार करने पर जुल्फकार अली भट्टो को फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा और यजीद की बैत से इनकार करने पर हुसैन इब्ने अली को अपने पूरे का पूरा खानदान शहीद करवाना पड़ा। अर्श शरीफ का कत्ल एक ऐसा सानहा है जिसके असरात बरसों तक मुहित होंगे। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं, ये एक ऐसा जुल्म है जिसको भुलाना मुमकिन नहीं, ये एक ऐसा गुनाह है जिसका कुफारा मुमकिन नहीं, ये एक ऐसी संगीन गलती है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। और कातलीने अर्श शरीफ हमेशा शर्मिंदा, पशेमान, रुस्वा, जलील ख्वार होते रहेंगे। हम गरीब लोग कितने बदकिस्मत होते हैं, जो कोई हमसे प्यार करता है उसे मार दिया जाता है और जिससे हम प्यार करते हैं उसको कत्ल कर दिया जाता है। गरीबों से प्यार और मोहब्बत करने की सजा कत्ल की शक्ल में दी जाती है। कत्ल करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि कत्ल होने से कोई मर नहीं जाता, वो जिंदा हो जाता है, हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो किताबों का हिस्सा बन जाता है, दास्तानों और कहानियों का हिस्सा बन जाता है। क्या जहर का प्याला पीने पर सुकरात मर गया? सुकरात आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में, किताबों में, कहानियों में और दास्तानों में। क्या गैलीलियो मर गया? क्या मंसूर अपनी उल्टी खाल उतरवाने के बाद मर गया? लोग आज भी उसको याद करते हैं, लोग आज भी उसके कसीदे गाते हैं। और क्या जुल्फकार अली भट्टो सूली पर चढ़ने के बाद मर गया? भट्टो आज भी जिंदा है, भट्टो की याद आज भी जिंदा है। क्या लोग हुसैन इब्ने अली की शहादत को भूल गए? हुसैन की याद आज भी जिंदा है, हुसैन का गम आज भी जिंदा है, हुसैन का तज़करा आज भी सलामत है और अज़लों तक सलामत रहेगा। और इसी तरह अर्श शरीफ को भुलाना मुश्किल होगा, लोग उसको कभी भी भुला नहीं सकेंगे, उसकी याद को कभी भी भूल नहीं पाएंगे, उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी, सलामत रहेगी, कभी गम बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी गीत बनकर, कभी गजल बनकर, कभी नगमा बनकर, कभी शोला बनकर, कभी नारा बनकर, कभी पत्थर बनकर। और उसकी मोहब्बत की शमा लोगों के दिल में हमेशा जलती रहेगी और उनके ईमान का हिस्सा बन जाएगी। अर्श शरीफ की फानी जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि दायमी जिंदगी का आगाज हुआ है। कत्ल करने वाले शायद ये भूल गए थे कि वो अर्श शरीफ को कत्ल नहीं कर रहे बल्कि उसको जिंदा कर रहे हैं। अर्श शरीफ कत्ल होकर जिंदा हो गया, वो किताबों का हिस्सा बन गया, कहानियों का हिस्सा बन गया और दास्तानों का जिंदा किरदार बन गया। बज़ाहर अर्श शरीफ की जिंदगी की कहानी का इख्तिताम हुआ लेकिन दर हकीकत एक नई दास्तान का आगाज हुआ, एक नई कहानी का आगाज हुआ जिसका उन्वान है खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इस कहानी का आगाज तो बहुत दर्दनाक है लेकिन अंजाम बहुत पुरवकार और बेमिसाल होगा। इस्लामाबाद के एक कब्रिस्तान में 27 अक्टूबर की शाम बहुत रंजीदा है, यह शाम बहुत गमजदा और अफसरदा है। कच्ची मिट्टी से बनी, सुर्ख फूलों से ढकी एक कब्र के गिर्द एक बूढ़ी माँ, एक बेवा, 5 मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। अर्श शरीफ उनको छोड़कर मरो मिट्टी के नीचे जा चुका है। ये बच्चे जिनकी आंखों में गम, पलकों पे आंसू और चेहरे पर उदासी अयां है, मुंतजिर नजरों से उस कच्ची मिट्टी से बनी, गुलाब के फूलों से ढकी कब्र की जानब देख रहे हैं, जो खामोश है, जो बोल नहीं रही। इन बच्चों को कौन बताए, कब्रें खामोश ही होती हैं, कब्रें बोला नहीं करती। ये इंतज़ार कुछ अरसे तक तो यही रहेगा और फिर रफ्ता रफ्ता गम की शक्ल में ढल कर बच्चों के दिल में मुश्किल जगह बना लेगा। कब दबदबाए जबर से दबते हैं कि जिनके ईमान व यकीन दिल में किए रहते हैं तनवीर, मालूम है उनको कि रिहा होगी किसी दिन जालिम के गरा हाथ से मजलूम की तकदीर। आखिर को सरफराज हुआ करते हैं एहरार,
आखिर को गिरा करती है हर जोर की तामीर, हर दौर में सर होते हैं कसरे जमुदारा, हर अहद में दीवारे सितम होती है तस्खीर। एजाज इसी का है कि अरबाब सितम की अब तक कोई अंजाम को पहुंची नहीं तदबीर, गर्मी भी है ठंडक भी रवानी भी सकूं भी, तासीर का क्या कहिए है तासीर सी तासीर। हर दौर में मलऊन शकावत है शिमर की, हर दौर में मसऊद है कुर्बानी शब्बीर। एजाज इसी का है कि अरबाब सितम की अब तक कोई अंजाम को पहुंची नहीं तदबीर। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही, जब घुली तेरी राहों में शामे सितम हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हर्फ गजल दिल में किंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी, किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले हिजर की कतलगाहों से सब जा मिले, कतलगाहों से चुनकर हमारे अलम और आएंगे उस शाक के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए, हम जो तारीख राहों में मारे गए। वसलाम अला हाफिज़।